गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज करवा चौथ है और ये मैं रेडी होके सरगी वगैरह अपना जो स्टार्ट होता है व्रत का, वो हमने कर लिया है। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने मेहंदी लगाई थी शाम को, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने मेहंदी लगाई हुई थी और उसी टाइम मुझे ये था ना कि फ़ोन भी आ रहा था एक लेडी का कि हाँ हमें भी मेहंदी लगानी है, हमें भी मेहंदी लगानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो जस्ट मैंने पैरों को ही मेहंदी लगाई थी। फिर मैंने सोचा कि पैरों को मेहंदी वगैरह लगा के फिर मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। फिर जस्ट मैंने काम किया और ये लेडी भी आ गई और इनके हाथों में मैंने ये मेहंदी लगाई हुई थी। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, इनको बहुत पसंद आई। और उसके बाद मेहंदी इनको लगा के फिर मुझे अपनी मेहंदी लगानी थी और उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी। तो ये कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी हस्बैंड के लिए करवा चौथ की, ये कुछ मेमोरीज़ हैं हमारी। तो ये जस्ट मैंने वीडियो बनाई थी और आज सिर्फ यही काम था कि हाँ चलो रील्स ही बनाते जाओ। और ये मेरी सेकेंड वाली मैंने बनाई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये मेरा चूड़ा मुझे बहुत पसंद है, पिंक एंड वाइट डायमंड वाली, इसके अंदर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। और इसके साथ मैंने पिंक मैच किया था जो मुझे और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड ये मेरी तीसरी वाली रील शुरू हो गई थी। आज मैंने दिन भर बस यही काम किया, रील्स पे रील्स, क्योंकि दिन भर और कुछ काम नहीं था तो इसीलिए मैंने यही काम किया आज। और जैसे मेरा बेटा है तो वो भी अपने में ही मस्त था, वो भी खेल रहा था, तो अंदर बैठ के मैं भी बस रील्स बना रही थी। तो इस बार इसके पापा हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, वो ड्यूटी है, वो आए नहीं है। तो इसके बाद मैं सोचा रील्स वगैरह बहुत हो गई, तो इसके बाद मैं उनके साथ बात करने वाली थी, तो मैंने कहा चलो उनके साथ बात कर लेती हूँ। और तब तक अभी भी अंदर आ गया था, फिर मैंने रील्स वगैरह बनाना बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को कॉल करना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने उनको कॉल की तो मैंने उनको दिखाया कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। तो बोल रहे थे कि हाँ रेडी हो गई, मैंने बोला मैंने तो रील्स भी बना दी, अभी रेडी तो हो गई हूँ मैं, रील्स भी बना दी, ये हमारी वीडियो कॉल शुरू हो गई थी। और मैंने यहाँ से भी थोड़ी सी क्लिप चुरा ली मीन्स कि मैंने उनको बताया नहीं कि हाँ मैं इसकी भी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैंने ये भी कर दी थी, उनको पता ही नहीं था, बस हम बातें किए जा रहे थे। तो इस टाइम में ना बहुत इंसान मिस करता है कि हाँ ये टाइम जो होता है ना, ये दिन जो होता है ना, इंसान चाहता है कि अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारे, लेकिन चलो कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि नहीं कर सकता इंसान, तो सब कुछ ज़रूरी है। हर टाइम पर इंसान को छुट्टी नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा था बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलाना पड़ता है। तो मैंने इनके साथ बातचीत की, फिर उसके बाद फिर से वही शुरू हो गया मेरा, वीडियोस बनाओ, क्योंकि आज के दिन मेरा बेटा भी मस्त था, वो भी बोल रहा था मम्मा आहा आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, आज मैं दिन भर खेलूँगा, मुझे छुट्टी है, मैं दिन भर खेलूँगा, आप अपना करवा चौथ मनाओ, मैं अपनी छुट्टी मनाता हूँ, वो भी यही बोल रहा था। उसके बाद हस्बैंड से बात हो गई, मैंने उनको बाय किया और ये हमारी वीडियोस कंटिन्यू हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ना जब मतलब रेडी हो जाओ ना, कहीं कुछ फंक्शन हो, कहीं जाना हो, कुछ हो, तो फिर मतलब फ़ोन में उन यादों को कैप्चर करना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि हाँ ये यादें होती हैं तो उनको हम कैप्चर कर लेते हैं। और यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। तो आप लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और ये साल में जो दिन आता है ना, ये हर साल इसी खुशी हंसी की तरह आए और सबकी लाइफ में इसी तरीके से खुशियां बनी रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।